पब्लिक चैनल से। दोस्तों आपको पता होगा कि कपिल शर्मा शो था जिसमें एक बहुत मशहूर नेता अभिनेता जो भी कहा जाए उनको कम है, क्योंकि वह हर किरदार में जो है वो शूट करते हैं और हर किरदार में वो अच्छे लगते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने कुछ जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है उनका कुछ पोल खोला है अपने जो न्यूज के जरिए से है, और लोगों को अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि 2019 का जो चुनाव है, ये जो अभी चल रहा है चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें लोगों को क्या करना है। उन्होंने कुछ पब्लिक को आईना दिखाने की कोशिश की है और पब्लिक को कुछ जागने की कोशिश की है कि हम इनको जगा के रहेंगे 2019 में और इनको हम आईना दिखा के रहेंगे। तो आइए सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू को कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पीएम भी कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है उनका भी कुछ सुन लीजिएगा। फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे आज आप, डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी, फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे। पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे, शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया मुंबई जब टेरर अटैक्स हुए, विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जब टेरर अटैक हुआ चिदंबरम साहब ने इस्तीफा दिया था, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब आतंकी हमला होता तो वोट मांगे जाते हैं। और मुझे ये समझाओ कि 1700 आतंकी हमले हुए आपके कार्यकाल में, विच इज द हाइएस्ट, 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाइएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो आरडीएक्स जाके एक कॉन्वॉय में लगता है? संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों अकबर। मैं फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।